अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि UFC, इसके स्किल्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कॉनर मैकग्रेगर नॉकआउट्स और सबमिशंस के जरिए मैचेस जीतने के लिए प्रसिद्ध हैं। फाइटिंग केज के अंदर और बाहर उनका अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ही उन्हें दूसरे फाइटर्स से अलग बनाता है। कॉनर मैकग्रेगर उस आयरिश फाइटर का नाम है जो UFC फेदरवेट और लाइटवेट डबल चैंपियन रह चुका है, और ऐसा करकर ही उन्होंने जिस तरह की पॉपुलैरिटी दुनिया में हासिल करी वो किसी फाइटर के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात है। कॉनर मैकग्रेगर की पर्सनालिटी दुनिया में इतनी पॉपुलर हो गई है कि वो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में बहुत ऊपर आते हैं, और पिछले कुछ वर्षों से उनकी सालाना इनकम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायनल मेसी जैसे स्पोर्ट्समैन को भी टक्कर दे रही है। खैर, ये तो थी उनके रिचेस की बात, पर इस वीडियो में हम कॉनर मैकग्रेगर की जिंदगी की कहानी जानने वाले हैं कि किस तरह से आयरलैंड में जन्मे एक आम से बच्चे ने दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता हासिल करी। 33 वर्षीय कॉनर एंथनी मैकग्रेगर का जन्म आयरलैंड की राजधानी डबलिन के क्रमलिन में 14 जुलाई 1988 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। कॉनर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गॉल्सकॉल नाम के एक स्कूल से पूरी करी जो आयरलैंड में मौजूद एक आयरिश लैंग्वेज मीडियम स्कूल है। लेकिन कॉनर उन बच्चों में से थे जिन्हें पढ़ाई से ज़्यादा खेल में रुचि थी, स्पेशली फुटबॉल, क्योंकि वो उनका फेवरेट स्पोर्ट था। और अपनी इसी दिलचस्पी की वजह से कॉनर बचपन में लॉर्ड्स सेल्टिक नाम के एक फुटबॉल क्लब के लिए खेला भी करते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 12 साल की उम्र में कॉनर ने क्रमलिन बॉक्सिंग क्लब नाम के एक बॉक्सिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लिया था। और वो बताते हैं कि उनके इस बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन करने के पीछे की वजह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना था, क्योंकि उनके पड़ोसी और उनकी क्लास के दूसरे बच्चे कॉनर के साथ अग्रेसिव तरीके से पेश आते थे और उन्हें बुली किया करते थे। साल 2006 में उनके माता पिता को डबलिन के ही लुकान नाम की एक जगह पर शिफ्ट करना पड़ा, और इसी क्रम में अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कॉनर ने गर्ल्स कॉलेज नाम के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ज्वाइन कर लिया। वैसे तो कॉनर को फाइटिंग के जरिए ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, लेकिन विशेष नियम कानूनों की वजह से उन्हें कुछ समय तक एक प्लम्बर के रूप में भी काम करना पड़ा। और ऐसे में अपने इस काम से नाखुश कॉनर मैकग्रेगर की मुलाकात एक फाइटर टॉम एगन से हुई जो आगे चलकर एक UFC फाइटर ही बनने वाले थे। इन्होंने कॉनर के फाइटिंग के टैलेंट को प्रोत्साहित किया और उन्हें फाइटिंग के क्षेत्र में ही आगे जाने के लिए मोटिवेट भी किया, जिससे प्रभावित होकर कॉनर ने टॉम एगन के साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। और इसके कुछ ही महीनों बाद 17 फरवरी 2007 को 18 वर्ष की उम्र में कॉनर ने अपना MMA डेब्यू केरन कैम्पबेल के खिलाफ खेला, जिसमें वो आयरिश रिंग ऑफ ट्रूथ प्रमोशंस इन डबलिन के लिए खेल रहे थे, और ये एक एमेच्योर मैच था। और इस मैच के फर्स्ट राउंड में ही टेक्निकल नॉकआउट्स के जरिए कॉनर ने जीत अपने नाम करी, और अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित किया कि उन्हें आयरिश केज ऑफ ट्रूथ प्रमोशंस के द्वारा साइन कर लिया गया, जिसके बाद जॉन रेमंड नाम के एक मिक्स मार्शल आर्ट्स कोच के साथ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। और इस ट्रेनिंग की मदद से कॉनर ने अपने प्रोफेशनल करियर की भी शुरुआत करी, जिसका डेब्यू मैच उन्होंने 8 मार्च 2008 को गैरी मॉरिस के खिलाफ खेला था, जो कि एक लाइट वेट मैच था। और उसके बाद उन्होंने अपना फेदरवेट डेब्यू मैच आर्तमी सितनोकोव के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने अपने प्रदर्शन का जलवा पूरी दुनिया को दिखाया। उसके बाद उन्होंने अपने जबरदस्त प्रदर्शन को बरकरार रखा और साल 2011 और 12 के दौरान वो केज वॉरियर फाइटिंग चैंपियनशिप के दोनों फेदरवेट और लाइटवेट चैंपियंस बने, और इसके साथ ही दो डिविजन्स का टाइटल होल्ड करने वाले वो पहले यूरोपियन प्रोफेशनल MMA फाइटर भी बने। और कोइंसिडेंटली इसके एक साल बाद, जब फरवरी 2013 में UFC के प्रेसिडेंट डेना वाइट आयरलैंड की ट्रिप पर गए थे, तो उन्होंने कॉनर मैकग्रेगर के साथ एक मीटिंग फिक्स करी, जहां उन्हें UFC के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्रपोजल दिया गया। और फाइनली कुछ दिनों बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि UFC ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने कॉनर मैकग्रेगर को मल्टीपल फाइट्स के लिए साइन कर लिया है। और उस समय वो केवल दूसरे ऐसे फाइटर थे जो आयरलैंड को रिप्रेजेंट करते हुए UFC के मेंबर बने थे। उसके बाद 6 अप्रैल 2013 को उन्होंने फाइनली अपना UFC डेब्यू मैच मार्कस क्लाइड ब्रिमेज के खिलाफ खेला, जिसके फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने नॉकआउट से जीत अपने नाम कर ली थी। मैकग्रेगर ने अगली दो फाइट्स ऑलरेडी और दोनों ही फाइट्स डियागो ब्रांडाओ और मैक्स हेलोवे के खिलाफ जीत भी ली, और यहीं पर मैकग्रेगर के UFC करियर की पहली बड़ी फाइट आई 2014 में डस्टिन पोरियर के खिलाफ। इस फाइट तक आते आते कॉनर मैकग्रेगर आयरिश फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हो चुके थे, और उन्होंने UFC के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। डस्टिन पोरियर को कॉनर ने पहले राउंड के 1 मिनट 46 सेकंड्स में ही नॉकआउट पंच से हरा दिया था, और यहीं पर मैकग्रेगर के करियर की पहली बड़ी जीत भी दर्ज हुई। यहां से मैकग्रेगर इतने पॉपुलर हो गए कि अगले हर UFC इवेंट में जब भी उनकी फाइट होती थी तो उन्हीं की फाइट को मेन इवेंट बनाया जाता था। इसके बाद अगली 3 फाइट्स मैकग्रेगर ने डेनिस सिल्वर, चैड मेंडिस और जोसे आल्डो के खिलाफ लड़ी, और तीनों ही फाइट्स में नॉकआउट पंचेस के जरिए फाइट्स जीत भी ली। जुलाई 2015 में जब उन्होंने चैड मेंडिस को हराया, तब वो UFC इंटरिम फेदरवेट चैंपियन भी बन गए थे। फिर 2016 में मैकग्रेगर की फाइट नेट डियाज से हुई, और यहां आकर मैकग्रेगर को पहली बार UFC में हार का सामना करना पड़ा। इस फाइट के दूसरे राउंड में सबमिशन से नेट डियाज ने यह फाइट जीत ली,
अनडिफीटेड मैग्रेगर को हराने वाले नेट डियाज के साथ ही मैग्रेगर का रीमैच भी हुआ और इस बार मैग्रेगर ने फाइट जीत भी ली। फिर इसके बाद 2016 में एडी अल्वारेस के साथ कॉनर मैग्रेगर की एक और चैंपियनशिप फाइट हुई और एडी अल्वारेस को हराकर कॉनर मैग्रेगर यूएफसी इंटरिम लाइटवेट चैंपियन भी बन गए। इस फाइट को जीतकर वो यूएफसी के डबल चैंप बने। जहां उनके पास यूएफसी फेदरवेट चैंपियनशिप पहले से ही थी, इस फाइट में उन्होंने यूएफसी लाइटवेट चैंपियनशिप भी जीत ली। इस समय तक आते आते कॉनर मैग्रेगर दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन में से एक बन चुके थे और किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट में ये सबसे बड़ा नाम बनते जा रहे थे। उनकी एक फाइट की अर्निंग्स ही आसमान छूने लग गई थी और यूएफसी के साथ साथ यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट भी कॉनर मैग्रेगर की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। इसी समय पर कॉनर मैग्रेगर ने बॉक्सिंग में एंट्री लेते हुए एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग इवेंट प्लान करा, जहां पर उनकी फाइट अनडिफीटेड बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर से हुई। बॉक्सिंग के इतिहास में इस फाइट को रिचेस्ट फाइट कहा जाता है, क्योंकि इस फाइट से दोनों ही फाइटर्स को बहुत बड़े पेचेक्स मिले थे। 2017 में हुए इस बॉक्सिंग मैच ने दुनिया भर से व्यूअर्स बटोरे और इस फाइट के लिए जिस तरह के प्रमोशंस हुए थे, उससे ये फाइट 2017 का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट भी बन गया। इसके बाद कॉनर ने यूएफसी में वापसी करी और 2018 में खबीब नर्मागमेडोव से लड़े, जिनसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये फाइट इवेंट भी बहुत पॉपुलर हुआ था और इसने भी दुनिया भर से व्यूअरशिप हासिल करी थी। इसी फाइट से जुड़ी कई कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आई, जहां केज के बाहर दोनों ही फाइटर्स ने एक दूसरे पर अटैक किए थे और इन्हीं के लिए दोनों पर कोर्ट में केसेस भी हुए। इस फाइट के बाद अब तक कॉनर मैग्रेगर 3 फाइट्स लड़ चुके हैं, जिसमें से एक डोनाल्ड सरोन के खिलाफ और 2 डस्टिन पोरियर के खिलाफ, और अपनी आखिरी फाइट में चोटिल हो जाने के कारण अभी मैग्रेगर रिकवरी कर रहे हैं और उम्मीद अनुसार जल्दी ही यूएफसी की फाइटिंग केज में लौटेंगे भी। आपको कॉनर मैग्रेगर के फाइटिंग करियर की सबसे बेस्ट फाइट कौन सी लगी, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉनर ने अपने स्किल और यूनिक स्ट्राइक की वजह से जनता में भी खूब प्रसिद्धि हासिल की है। इसके अलावा उनकी पॉपुलैरिटी की एक और वजह यह भी है कि वो ट्रैश टॉक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में खूब पार्टिसिपेट करते हैं। अपने कई इंटरव्यूज के जरिए कॉनर ने यह बताया है कि कॉनर की इंस्पिरेशन ब्रूस ली हैं। इसी बीच उन्होंने फिल्म्स में भी अपना हाथ आजमाया और अपनी इस प्रसिद्धि की वजह से कॉनर कई ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बने, जैसे कि बीट्स, मॉन्स्टर एनर्जी, रीबॉक और बड लाइट, जिसकी एंडोर्समेंट डील्स करीब $7 मिलियन के करीब हो जाती हैं। और इसी के साथ कॉनर मैग्रेगर दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में भी बहुत ऊपर आते हैं। खैर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि कॉनर ने अपने करियर में जितने भी अवार्ड्स और सम्मान कमाए हैं, वो वाकई ही किसी दूसरे स्पोर्ट्समैन के लिए एक सपने जैसे हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी कॉनर मैग्रेगर की। अगर हमसे कॉनर के करियर की कोई हाईलाइट छूट गई हो तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम खबीब नर्मागमेडोव या फिर किसी और यूएफसी फाइटर के ऊपर भी एक ऐसी ही वीडियो बनाएं, तो आप हमें उनका नाम कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा।